मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज एडवांस वेल्डिंग में जो हमने प्रैक्टिकल पढ़ना है या जिसके बारे में जानना है वो है सिंगल वी बट जॉइंट एट हॉरिजेंटल पोजीशन। हॉरिजेंटल पोजीशन पे हमने सिंगल वी बट जॉइंट लगाना है। इसके लिए हमें जो इक्विपमेंट चाहिए वो है रेक्टिफायर है और बेबी ग्राइंडर है। रेक्टिफायर जिसे आप वेल्डिंग करेंगे और बेबी ग्राइंडर जिसे आप अपनी वी ग्रूव जो है वो डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद आपके टूल्स आ जाएंगे। टूल्स में चिपिंग हैमर है, वायर ब्रश है, स्टील रूल है। स्टील रूल आपको पता है चिपिंग हैमर स्लैग उतारने के लिए होता है, वायर ब्रश क्लीनिंग के लिए है, और स्टील रूल जो है वो आपकी मार्किंग और मेजरिंग के लिए यूज़ होगा। सेफ्टी इक्विपमेंट में आपको पता है आपके फेस शील्ड ग्लास है, उसके बाद ग्लव्स हैं, एप्रन है और सेफ्टी शूज़ है। इसके बाद हमारा जो प्रोसीजर है कि हमने इसे अपने काम को यानी वी ग्रूव जो है वो हमने कैसे लगानी। इसमें सबसे पहले हम अपने जॉब की मार्किंग करेंगे। आपकी मार्किंग का पता है कि मार्किंग जो है आपने वो जॉब कितना लेना है, तकरीबन 75 mm लेंथ होगी और उसकी विड्थ जो होगी 50 mm होगी और 6 mm जो है हमारी जॉब की थिकनेस है। इसके बाद आपने कटर मशीन से उसकी कटिंग करनी है, कटिंग करने के बाद क्लीनिंग करनी है एमरी पेपर से या बेबी ग्राइंडर की मदद से। उसके ऊपर जो भी स्केल है या डस्ट वगैरह है वो आपने रिमूव करनी है। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछले लेक्चर में वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वी ग्रूव कैसे डिज़ाइन करनी है, तो आप उसी तरीके से बिल्कुल उसी मेथड से आप अपनी वी ग्रूव डिज़ाइन करेंगे जॉब के ऊपर। उसके बाद जो आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं यानी E13 इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं 2.5 mm का, उसकी जो फिलर वायर है आप उसके डाई के मुताबिक अपने जॉब को क्या नाम है बीच में रूट गैप देंगे। रूट गैप देने के बाद आप उसकी टैकिंग करेंगे। आपने ट्राई स्केयर की मदद से चेक कर रहे हैं कि आपकी जो टैकिंग वगैरह है वो बिल्कुल स्केयर है या नहीं है। इसके बाद आपने होल्डिंग एट हॉरिजेंटल पोजीशन। हॉरिजेंटल पोजीशन यानी जो आपने बीड लगानी है वो सेम इट हैज़ ये लगेगी, आपके जॉब जो है आपके बिल्कुल फेस के सामने होगा और आप सामने बिल्कुल खड़े हो गए आप उसको बीड लगाएंगे। इसके बाद वेल्डिंग एंड फिनिशिंग। हम वेल्डिंग की बात करें तो हमने जैसे कि अपने जॉब को टैकिंग कर लिया और अपने फेस के सामने बिल्कुल हॉरिजेंटल पोजीशन पे से होल्ड कर लिया। इसके बाद आपने इलेक्ट्रोड होल्डर में ग्रिप कर रहे हैं और आपने बिल्कुल जो वी ग्रूव का ऊपर वाला एज है यानी यहाँ पे इस जगह पे वी ग्रूव के सेंटर में नहीं, थोड़ा सा ऊपर 2 mm या 1.5 mm आपने ऊपर से वेल्डिंग शुरू करनी है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो ग्रेविटी है वो बीड को नीचे की तरफ खींचती है, तो यहाँ पे आप जब बीड लगाएंगे तो वो आपके रूट गैप के अंदर फिल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा आपने डिस्टेंस नहीं देना, ज़्यादा डिस्टेंस देंगे तो वो किसी और जगह पर लगेगी। आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट पास लगाते जाना है हत्ता कि आपने यहाँ तक इसे कंप्लीट करना। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपने अपने जॉब को क्लीन करना है, स्लैग रिमूव करना है और देखना है कि किसी जगह से कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई ब्लो होल्स वगैरह है, स्लैग इंक्लूजन वगैरह। अगर ऐसा है तो आपने वहाँ पे बेबी ग्राइंडर की मदद से उस जगह को ग्राइंड करना है और उसे दोबारा रीफिल करने के बाद आपने दोबारा होल्ड करना है अपने जॉब को और फाइनल बीड आपने इसके ऊपर लगानी है। फाइनल बीड मैंने आपको बताया है कि तकरीबन उसकी जो हाइट है वो 1 mm 1.5 mm इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने फाइनल बीड लगाने के बाद अपने जॉब को होल्ड अनहोल्ड करना है और उसे स्लैग रिमूव करना है, उसकी डस्ट और क्लीनिंग जो है वो आपने करनी है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी जॉब के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इस तरह हम अपना वी ग्रूव इंशाल्लाह लगाएंगे नेक्स्ट पीरियड के अंदर। सिंगल वी बट जॉइंट जो है वो इंशाल्लाह हम बना के वेल्ड करके देखेंगे कि हम उसे कैसे वेल्ड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।